हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है और हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो किया था एक्सप्लोरिंग फोर्स के बारे में कि एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होते हैं। कैसे हमने बोला था कि जो समिंग अप होता है डिफरेंट फोर्सेज का उसी को हमने क्या बोला था कि वो एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्सेज होता है। ठीक है, समिंग अप का क्या मतलब था, हमने क्या लिया था, एक हैवी बॉक्स लिया था और उस हैवी बॉक्स को अगर एक पर्सन एक साइड से पुश कर रहा है तो वो पुश नहीं हो पाएगा, वो मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो हैवी बॉक्स है। ठीक है, लेकिन अगर उसी बॉक्स को दो पर्सन पुश कर रहे हैं तो वो इजिली पुश हो पा रहा है। तो उसका रीजन क्या था कि जो दो पर्सन के द्वारा जो पुश के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स क्या होता है, ऐड हो रहा था, और उस फोर्स के ऐड होने की वजह से वो पुश हो पा रहा था। अब अगर हम क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे थे हम, ठीक है, हमने क्या कहा था कि अगर दो पर्सन या तीन पर्सन के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वो सेम डायरेक्शन में अगर लगाया गया है तो वो फोर्स क्या है, सम अप होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है इजिली मूव हो जाएगी। ठीक है, और अगर जो फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है तो वो जो फोर्स जो लग रहा है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, वो एक दूसरे का अपोज करेगा। ठीक है, और जिस तरफ से ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है वो दूसरी तरफ को मूव कर जाए। मान लो इधर से 6 यूनिट फोर्स लग रहा है और उधर से इस तरफ जो है 4 यूनिट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो किस तरफ मूव करेगा, अब दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं तो 6 - 4 यानी कि 2 यूनिट फोर्स लगेगा वहां पर। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं हम जो टोटल इधर से फोर्स जो लग रहा है, जैसे हमने किया था, हमने कहा कि हमारा दोनों तरफ से ही फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे इस डायरेक्शन में भी हम इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं। इधर से जो हमने फोर्स लगाया वो लगाया 6 यूनिट का और इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं 4 यूनिट का। ठीक है, अब दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इन दोनों का टोटल फोर्स कितना आएगा, जो नेट फोर्स आएगा वो 6 - 4। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो 6 - तो नेट फोर्स हम लिखेंगे, नेट लिख सकते हो या फिर आप टोटल लिख सकते हो। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 6 यूनिट - 4 यूनिट यानी कि आ जाएगा आपका 2 यूनिट फोर्स। ठीक है, अब जब ये 2 यूनिट फोर्स आ गया है फाइनली, तो ये 2 यूनिट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स हम लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो 2 यूनिट फोर्स फाइनली लग रहा है, नेट 2 यूनिट फोर्स लग रहा है। तो यहां से देख के हम पता करेंगे, जैसे यहां पे हमने इस डायरेक्शन में 6 यूनिट फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में 4 यूनिट फोर्स लगाया, तो जो नेट 2 यूनिट फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लगा, वो इस डायरेक्शन में लगा, क्योंकि हम इस डायरेक्शन से ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो जो फोर्सेस हम क्या यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि इफ द फोर्स इज एक्सर्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया जाता है देन इट गेट मिनिमम, तो ये क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, और अगर यानी कि उनका डिफरेंस हो जाता है, और अगर फोर्स जो एक ही डायरेक्शन में लगाया जाता है तो वो क्या होता है, एड अप हो जाता है, सम अप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हम ये फोर्स कितना फोर्स लग रहा है वो जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, कितना फोर्स हमने अगर इधर से कितना फोर्स लगाया तो इधर से जो पर्सन फोर्स लगा रहा है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ से वो फोर्स लगा रहा है, इधर से कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है तो वो कितनी स्ट्रेंथ से फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, तो उस स्ट्रेंथ को बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स is called its magnitude। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ होती है कि वो फोर्स कितना लग रहा है उस स्ट्रेंथ को ही बोला जाता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड। जैसे हमने इधर से 6 यूनिट फोर्स लगाया तो ये क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये इस साइड से जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसका क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है। अगर इस साइड से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस साइड से जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो कोई ये पूछ लेता है कि जो इस साइड से टोटल फोर्स लग रहा है तो इस साइड से जो फोर्स लग रहा है उसका नेट जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है। ठीक है, इस साइड से कितना लगा हमने 6
और इस साइड से कितना लगा रहे हैं फोर, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं मैग्नीट्यूड। और नेट अगर फोर्स इस बॉक्स ने कितना एक्सपीरियंस किया, यानी कि इस बॉक्स पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, वो कैसे निकालेंगे। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए नेट फोर्स जो ये बॉक्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो कितना हो जाएगा, 6-4 यानी कि 2 यूनिट का नेट फोर्स होगा। तो ये नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 2 यूनिट, ठीक है। हमने क्या कंक्लूजन निकाला, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स यानी कि जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड, वो क्या कहलाता है, उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। अब हमने देखा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और फोर्स के पास क्या होता है, डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी फोर्स को अगर हमने डिफाइन करना है, ठीक है, तो उस फोर्स को हम डिफाइन करते हैं उसके मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसके डायरेक्शन से, ठीक है। तो फोर्स को हम उसके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो फोर्स है वो फोर्स क्या क्या इफेक्ट डाल रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट क्या है, रखी हुई है, तो हम इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये क्या कर रही है, मूव कर रही है किसी भी एक डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा क्या है, कोई भी बॉल मानो, कोई बैट्समैन है, ठीक है, वो बॉल उसके पास आ रही है, वो उसको हिट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, वो बॉल की स्पीड भी कम हो सकती है, या फिर अगर जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है उसी डायरेक्शन में अगर बॉल को वो हिट कर देता है तो वो स्पीड को बढ़ा भी सकता है, ठीक है। दूसरा उस बॉल की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, यानी कि फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रुक रही है, कोई जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है वो स्टॉप हो रही है, रुक रही है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो यानी कि बहुत सारे इफेक्ट जो है फोर्स डाल सकता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम, तो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि एक फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन को, ठीक है। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। फोर्स के बारे में हमने कल पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में, चैप्टर के क्या था फोर्स, कि अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम उसको पुश कर रहे हैं यानी कि धकेल रहे हैं, या फिर हम उसको पुल कर रहे हैं अपनी ओर खींच रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोला था कि वो फोर्स होता है। नाउ जो वो पुश और पुल है, जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, कैन चेंज, वो बदल सकता है द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा है स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब है, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब वो होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है या फिर वो मोशन में है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, ठीक है, वो सब चीजें जो है उसको क्या बताती है, स्टेट ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का बताती है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है, यानी कि स्पीड ऑफ द मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो, ठीक है, और साथ में हम क्या कह सकते हैं, जो उसकी डायरेक्शन है, ये दोनों क्या कंस्टिट्यूट करती है स्टेट ऑफ अ मोशन। क्लियर, हम क्या लिखेंगे, द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन लिख सकते हो, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट भी लिख सकते हो आप, और मूवमेंट, ठीक है, जिस स्पीड से मोशन हो रही है या मूवमेंट हो रही है और जिस डायरेक्शन में मोशन या मूवमेंट हो रही है, द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की, वो क्या कहलाती है, इज कॉल्ड इट्स स्टेट ऑफ मोशन,
स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर? तो स्टेट ऑफ मोशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिस स्पीड से मूव कर रही है और जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो स्पीड और डायरेक्शन मिलकर क्या कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या मिलता है कि पुश और पुल होता है, और वो पुश और पुल क्या कर सकता है, वो जो स्टेट होती है मोशन की, यानी कि जो स्पीड है या डायरेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको वो चेंज कर सकता है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या कहा कि कोई भी कार है जैसे मूव कर रही है, ठीक है, तो कार अगर मूव कर रही है तो अगर हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो हमने ब्रेक अप्लाई किया, इट मींस क्या, हमने फोर्स लगाया, हमने अपने फुट से फोर्स लगाया, ठीक है, ब्रेक को प्रेस किया है, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं वहां पर, तो उसकी वजह से क्या हो रही है, कार वहां पर स्टॉप हो रही है। ठीक है, तो यानी कि कार मोशन में थी, मूव कर रही थी, और उसको हमने क्या किया, फोर्स क्या कर रहा है, उसको स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, ऐसे ही कोई फुटबॉल का मैच चला हुआ है, ठीक है, तो एक प्लेयर क्या करता है, फुटबॉल को हिट करता है अपने फुट से। ठीक है, जैसे ही उसने हिट किया, तो अब क्या है, मान लो इस डायरेक्शन में बॉल आ रही थी, उसने हिट करके अपने दूसरे प्लेयर को जो है बॉल को जो है पास किया। ठीक है, अपने फुट से हिट करके, अब मानो बॉल इस डायरेक्शन में आ रही थी, हमने हिट करके उस डायरेक्शन में सेंड किया है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर अब वो बॉल की डायरेक्शन तो चेंज हो गई, अब गोल कीपर का क्या काम होता है कि वो गोल होने से रोकता है। तो गोल कीपर क्या करता है, फोर्स लगाता है, जैसे उसके पास बॉल आएगी उसको वो क्या करेगा, या तो उसको एकदम से पुश करेगा ताकि वो बॉल अंदर ना पाए। ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, उसको एकदम से पकड़ लेगा, बॉल को रोक देगा। ठीक है, तो या तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, या फिर वो क्या कर रहा है, उसको बिल्कुल रोक रहा है। ठीक है, स्टॉप कर रहा है। दूसरा क्या है, मान लो ये डस्टर है। ठीक है, अभी तक ये डस्टर हमारे पास, ठीक है, ये डस्टर क्या है, कोई भी मोशन नहीं है, रेस्ट पे है। ठीक है, जब ये रेस्ट पर है, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा पुश किया। जैसे ही हम इसको पुश कर रहे हैं, पुश क्या होता है, फोर्स होता है, तो जैसे हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, तो इसने क्या करा, मोशन स्टार्ट करके ये किस में आ गया, स्पीड, इसने थोड़ी सी स्पीड इसने गेन कर ली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको हम फोर्स की हेल्प से मोशन में लेकर के आ सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी मोशन में है, मूव कर रही है, तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है, मतलब फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, स्टेट को चेंज कर सकता है किसी भी मोशन की। तो हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसको वो क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। दूसरा, फोर्स को इट से लिख देते हैं, इट कैन मूव, ये मूव कर सकता है अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे हो। ठीक है, तो आप लिखोगे इट कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दैट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, जो किस पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, तो वो उसको क्या कर सकता है, उसको जो अगर कोई रेस्ट पे है तो उसको मूव करवा सकता है फोर्स, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, मानो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वो उसको उस डायरेक्शन में भेज सकता है, तो डायरेक्शन को भी वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स के बारे में क्या क्या बता दिया, कि वो जो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप कर सकता है, कोई ऑलरेडी रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट उसको क्या करवा सकता है, मूव करवा सकता है, या फिर डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे हमने एक बात कही कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होने का मतलब क्या है, उसकी स्पीड क्या है, जीरो स्पीड है उसकी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पर कब कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, रेस्ट पर कब कहेंगे, इफ इट्स
स्पीड ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ मोशन यानी कि उसके मोशन की जो स्पीड है वो कितनी है, जीरो। अगर वो जीरो स्पीड है, जीरो स्पीड मतलब क्या है, रुकी हुई है यानी कि वो रेस्ट पर है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स स्पीड ऑफ मोशन इज जीरो, ठीक है। तो यानी कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो जीरो स्पीड से कुछ ना कुछ स्पीड गेन कर लेता है, तभी हम कहेंगे कि रेस्ट से वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो इस तरीके से फोर्स जो है वो चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन को। अब हम क्या किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी हम चेंज कर सकते हैं, हमने स्टेट तो बोल दिया कि फोर्स जो है वो चेंज कर सकता है स्टेट को। क्या अब जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है या नहीं, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन को। हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, कौन सा टॉपिक, अभी हमने कौन सा टॉपिक कवर किया है कि फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। अब हम पढ़ते हैं कि फोर्स जो है वो शेप को भी चेंज कर सकता है या नहीं। हम लिख रहे हैं फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फोर्स हम बोल रहे हैं, फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो वो फोर्स है वो पुश और पुल है, वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको, शेप को ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैसे, इसके हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई इन्फ्लेटेड बलून है, ठीक है, इन्फ्लेटेड मीन्स फुलाया हुआ, हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन इन्फ्लेटेड बलून, ठीक है। इन्फ्लेटेड का मींस क्या होता है, फुलाया हुआ, ठीक है, जो हम गुब्बारा फुलाते हैं उसको इन्फ्लेटेड बलून बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई इन्फ्लेटेड बलून है और उस इन्फ्लेटेड बलून को हम दोनों हैंड्स के साथ क्या करें, उसको प्रेस करें थोड़ा सा, ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। तो प्रेस करने से उस इन्फ्लेटेड बलून की जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है। मान लो पूरा गोल है तो वो थोड़ा सा क्या होगा, फ्लैट होने की कोशिश करेगा। तो जो शेप है उस बलून की, उस इन्फ्लेटेड बलून की, चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि हम उसको प्रेस कर रहे हैं। और जो प्रेस करना हो रहा है वो क्या है, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब अगर हमारे पास कोई इन्फ्लेटेड बलून है एंड वी प्रेस इट, हम इसको प्रेस कर रहे हैं और पुश इट, हम इसको पुश कर रहे हैं थोड़ा सा विद बोथ द हैंड्स, दोनों हाथों के साथ हम उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो क्या होगा, द शेप ऑफ द बलून, शेप ऑफ द बलून वुड गेट चेंज, तो शेप जो होगी बलून की वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एक इन्फ्लेटेड बलून लिया और उसको दोनों हाथों के साथ क्या किया, प्रेस किया। तो प्रेस करने से हमने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, और जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दूसरा एग्जांपल आप सोचिए, शेप चेंज जो है, ऐसा एग्जांपल जिसमें फोर्स जो है वो शेप कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की, एनी एग्जांपल। इसका एग्जांपल दूसरा हम ले सकते हैं, जैसे हमारे घरों में मतलब जो आटा गूंथा जाता है, डफ बनाया जाता है, वो डफ जो होता है उसको भी क्या है, जैसे हम हाथ के साथ उसको प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, जैसे हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उसकी शेप भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। जब डफ बनाया जाता है उसकी भी हम क्या कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं फोर्स को अप्लाई करके। और एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो इसमें, ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल ले सकते हो, लोहार होता है, ठीक है। ब्लैक स्मिथ क्या करता है, जो आयरन होता है उसको हैमर के साथ क्या करता है, उसको एक थिन शीट में कन्वर्ट कर देता है। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि शेप जो है चेंज हो रहा है। मान लो आयरन जो है पहले सर्कुलर था या फिर एक पाइप टाइप था आयरन हमारे पास, ठीक है, आयरन की
रोड थी हमारे पास, आयरन की कोई पाइप थी, ठीक है, उसको क्या किया ब्लैकस्मिथ ने, उसको हैमर के साथ स्ट्राइक किया अच्छे से, ठीक है। तो हैमर के साथ स्ट्राइक करने के बाद जो आयरन की जो रोड थी वो क्या हो गई, थिन फ्लैट शीट बन जाती है उसकी। तो उससे क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रही है, जैसे ही फोर्स अप्लाई किया हैमर के द्वारा ब्लैकस्मिथ ने, तो जो शेप थी आयरन रोड की वो क्या हो गई, चेंज हो गई। और एक जनरल एग्जांपल आप रबर बैंड का ले सकते हो, ठीक है, जो रबर बैंड होता है उसको जैसे ही स्ट्रेच किया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्ट्रेच करने के बाद कुछ टाइम के बाद जैसे हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं काफी देर तक, तो उसकी शेप क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स जो है वो शेप को भी चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया कि फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स ने मतलब क्या किया, शेप भी चेंज कर रहा है और स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि अ फोर्स, कोई फोर्स है, अ फोर्स कैन क्या क्या कर सकता है, कोई भी फोर्स, इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, ठीक है, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। दूसरा, कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड जो है उसको चेंज कर सकता है। और फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ये भी हमने पढ़ लिया। एंड फोर्स कैन चेंज, क्या चेंज कर सकता है, द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। एंड इनमें से कोई भी, मतलब ये सारे भी हो सकते हैं, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट के वो स्पीड को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, या फिर उसकी शेप को भी चेंज कर सकता है, या इनमें से कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम फोर्स के इफेक्ट पढ़ने थे, ठीक है। इसके बाद हम फोर्स के टाइप पढ़ेंगे, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक आप फोर्स को अच्छे से समझिए, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, वो कैसे उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, कैसे शेप को चेंज कर रहा है, ये सब कुछ आप पढ़िए। लेक्चर्स को आप स्ट्रिक्टली देखिए और अपना सिलेबस कवर कीजिए। थैंक यू।